हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंट्रोल, कैसे एस्ट्रोजन को कंट्रोल में किया जाए ऑन साइकिल। इस वीडियो के दौरान जो भी मैं मेडिसिन के नाम बताऊंगा वो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए हैं, ताकि आपको कोई गलत दवाई ना पकड़ा दे। मेरा बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि आप उनका डायरेक्टली यूज़ करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोजन है क्या, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, और एस्ट्रोजन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज बात करी जाएगी। गाइस, एस्ट्रोजन है क्या, व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, लड़कियों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है जो उनको फीमेल टेरिटरीज देता है, फीमेल की तरह दिखने का लुक देता है। जो भी फीमेल बॉडी में डेवलपमेंट्स होती हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होती हैं। एस्ट्रोजन होते हैं चार तरह के, जिनको कैटेगराइज किया गया है E1, E2, E3 और E4 में। E1 है एस्ट्रोन, E2 है एस्ट्राडाइल, E3 है एस्ट्राइल और E4 है एस्ट्रेट्रॉल। ये चार अलग इनको कैटेगरीज में बांटा गया है। E1 यूज़ होता है मेनोपॉज के अंदर फीमेल्स के लिए, E2 में फीमेल बॉडी का डेवलपमेंट पूरा का पूरा, कैसे वो फीमेल दिखाई देंगी उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। E3 और E4 प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करते हैं। सो इन सारे एस्ट्रोजन टाइप्स में से जो मेल बॉडी है उनके अंदर सिर्फ एक ही पाया जाता है, वो है E2। फीमेल बॉडी में तो ओवरीज होती हैं जो इनको प्रोड्यूस करती हैं, मगर मेल बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं फिट है जो एस्ट्रोजन बनाता है। तो ये कैसे बन पाता है? ये बनता है थ्रू अ कन्वर्जन फ्रॉम अ टेस्टोस्टेरोन। तो कन्वर्जन कैसे होता है? एक एंजाइम के थ्रू। उस एंजाइम का नाम है अरोमाटेज। अटैच होता है टेस्टोस्टेरोन के मॉलिक्यूल के साथ और उसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, यानी कि हाई टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू हाई एस्ट्रोजन। जितना ज़्यादा आप टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनाओगे या बाहर से डालोगे उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्जन होगा उसका। अब किसकी बॉडी में कितना कन्वर्जन होता है ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, सबका सेम नहीं होता है। हो सकता है किसी को कि बहुत सारा वो गेयर चला दें, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन ले लें, उसके बाद भी उनका एस्ट्रोजन लेवल 60 भी क्रॉस ना करें। मगर कुछ लोग होते हैं जो एक शॉट लगाते हैं टेस्टोस्टेरोन का और 100 के ऊपर एस्ट्रोजन निकल जाता है। तो हर किसी की बॉडी का अलग अलग टाइप होता है और हर उस सबसे कन्वर्ट होता है। आगे बताएंगे कि कैसे इसको ट्रैक करें, क्या है वो तरीका जिससे ट्रैक किया जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड। कि एस्ट्रोजन होता क्या है और कैसे बनता है मेल बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हमें चाहिए क्यों। अगर हम मेल बॉडी है, हमें तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं। तो एस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल के लिए ही काम की चीज़ नहीं है, मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको मदद करता है बोन डेंसिटी में, सबसे पहली चीज़ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरा, आपको डायबिटीज़ से बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी में बॉडी को कैपेबल बनाता है कि फाइट करे डायबिटीज़ से। उसके बाद तीसरा जो इसका ज़रूरी काम है वो ये कि फ़ैट का रेगुलेशन करना, सही जगह पर फ़ैट लगाना, हटाना, पूरे बॉडी में फ़ैट कैसे रेगुलेट होगा, ये काम भी एस्ट्रोजन का है। उसके अलावा ये आपको बचाता है हार्ट की प्रॉब्लम से, फाइट करता है कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। तो बहुत ज़रूरी है हमारे मेल बॉडी के लिए भी एस्ट्रोजन। तो पूरी तरह एस्ट्रोजन को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये जो एस्ट्रोजन है आपकी बॉडी में से कम कर दिया जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा? जो कि गुरुजी कर डालते हैं, वो गोलियाँ पकड़ाए जाते हैं और जो लड़के जो टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहे होते हैं उनका एस्ट्रोजन इस लेवल तक ड्रॉप कर देते हैं कि बहुत कुछ हो जाता है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं लो एस्ट्रोजन या कम एस्ट्रोजन होने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट लो एस्ट्रोजन का, डिप्रेशन। जो लोग ऑन साइकिल डिप्रेशन पर रहते हैं उसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि वो एंटी एस्ट्रोजन चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो इससे आने वाला साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपकी हड्डियों में से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, क्रैकिंग पॉपिंग शुरू हो जाती है हड्डियों में से, जॉइंट में से। तो ये एक और इससे आने वाला बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है, आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें सूजन आ सकती है, वो सूज सकते हैं। और ये कई लोगों के साथ होता भी है जब वो ऑन साइकिल होते हैं, जब वो एंटी एस्ट्रोजन चला देते हैं तो उनके जॉइंट सूज जाते हैं या उनसे वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। अलावा फटीग, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना,
आपको बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा अगर आपका एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाता है, और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी, बहुत ज़्यादा बार आप बाथरूम जाएंगे, रिपीट में बाथरूम जाएंगे, तो ये जो है आपकी जो बॉडी है वो यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है अगर एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है अगर एस्ट्रोजन को कम कर देते हैं बॉडी में से, तो इसको बहुत मॉडरेट वे में रख के चलना होता है। बहुत हाई होगा तब भी दिक्कत है, बहुत लो होगा तब भी दिक्कत है। तो हो गया लो एस्ट्रोजन, अब बात करते हैं हाई एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो क्या होगा, एक साइड इफ़ेक्ट जो सारी दुनिया गाती फिरती है बस एक ही, गाइनोकोमेस्टिया। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो आप सबको पता होगा कि गाइनो हो जाएगा, मगर सिर्फ गाइनो ही इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके अलावा आपकी बॉडी में मसल को खा जाएगा ये, मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देगी अगर एस्ट्रोजन हाई, और अगेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको फटीक महसूस होगा, थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा बॉडी एक्टिव हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, यानी कि आपकी बॉडी कभी भी शिकार हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत कुछ साथ में आएगा, तो इन सबको भी कंट्रोल करके चलना है। तो गाइस अब ये कंट्रोल करके चलना है तो कंट्रोल करें कैसे, आपको पता है हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स एप्लीकेशन बना रहा है, बस बन गई है पहला ड्राफ्ट, बीटा फेज जो है एप्लीकेशन का लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, आपको मैं एक वीडियो के साथ गिफ्ट दे रहा हूँ, आपका एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और पहला तरीका तो वो नहीं बोलूँगा मैं, वो दूसरा तरीका है, पहला तरीका है ब्लड वर्क, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि आपका एस्ट्रोजन लेवल में क्या चेंजेस आए हैं। इसके वैसे जो सिग्नल्स होते हैं, जो वैसे वार्निंग्स होती हैं, वो ये होती हैं कि आपके निप्पल्स पे थोड़ी सी सॉरनेस आ जाएगी, थोड़ा सा आपको जो है पेन फील होगा, फ्लफ़ी फील होंगे, मगर वो सब होता है जब आपका एस्ट्रोजन डेवलप हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा पहला पार्ट एस्ट्रोजन के ऊपर, जिस पे हमने बात कर लिया है कि एस्ट्रोजन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है हमारी बॉडी में, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट हैं। अब बात आती है मेडिसिंस की, कौन सी दवाइयाँ लें इसको कंट्रोल करने के लिए। बस दूसरे अब 2 दिन के बाद मैं इसका दूसरा पार्ट डालूंगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी मेडिसिंस आपको लेनी है इसको कंट्रोल करने के लिए, और होपफुली आप ये वीडियोस उसके 2 दिन के बाद ही देख रहे होंगे, तो वो पहले से ही डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड बाय।